देखिए अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के साथ राजीव रंजन नाग की खास बातचीत चलते चलते रविवार रात 8:30 और सोमवार सुबह 9:30 सिर्फ इंडिया न्यूज बिहार झारखंड पर। तुम मैं देखती थी अपना ही अक्स, तुझसे ही थे। नमस्कार, आज के इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं SC ST कमीशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, जो मनमोहन सिंह सरकार के पहली पारी में केंद्र में मंत्री भी थे। उनसे देश में आदिवासियों के बारे में और उनके जीवन शैली और बेहतरी के बारे में बातचीत करेंगे। मैं हूं राजीव रंजन नाग। रामेश्वर उरांव जी, देश का आदिवासी तबका आज भी अपने को शोषित महसूस करता है। शोषित महसूस करता है जो भारतीय संविधान ने प्रॉमिस किया वो उन तक पहुंच नहीं पाई, लेकिन आज भी मुख्य धारा, समाज के मुख्य धारा में वो शामिल नहीं है। हाँ, मुख्य धारा में शामिल नहीं है, इसलिए कि राजनीतिक मुख्य धारा में तो शामिल हो गए हैं। देश में अनुसूचित जाति आदिवासी तबका की संख्या लगभग 10 करोड़ है और टोटल पॉपुलेशन का अगर हम मानते हैं 9% भी, तो भी ये लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियां इस टीज को पॉलिटिकल लाभ के इस्तेमाल तो करती रही, लेकिन उसके हिस्से की जो अधिकार था वो नहीं दिया गया। मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर कि केंद्रीय सरकार, जो भी केंद्रीय सरकार रही, खास करके वर्तमान केंद्रीय सरकार, उनके बेहतरी के लिए स्कीम्स, लॉ, एक्ट पास किए, लेकिन राज्य सरकारों में उसे ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया, फंड रहते हुए भी। नहीं, मेरा सवाल ये था कि देश का जनजातीय समुदाय आज भी पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन का वस्तु बनकर रह गया है। इन्हें भी आप कह सकते हैं कि अभी बहुत कुछ नहीं हुआ है, इरादा रखते हुए भी धरातल पर कुछ उतरा नहीं है, ज्यादा उतरा नहीं है, कुछ उतरा है लेकिन ज्यादा नहीं उतरा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि पोलिटिकली पॉलिटिक्स जो है उनको उनसे कोई फायदा नहीं हुआ है। जो आदिवासी स्टेट है, क्या सच में वो सरकारें भी आदिवासियों के प्रति गंभीर हैं? अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, उड़ीसा की या झारखंड की, तो जी कुछ राज्यों को छोड़ करके मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है आदिवासी समस्याओं के प्रति। वो मैं नाम लेना चाहूंगा यहाँ, हालांकि जनसंख्या कम है सिक्किम में, लेकिन वहाँ जो दौरा हमारा हुआ था कमीशन का और गांव-गांव में घूमे हम, वहाँ की स्थिति अलग है। वहाँ आदिवासियों को सरकार ने दिया है और आदिवासी सबकुछ में सरकार से संतुष्ट है, लेकिन वह स्थिति झारखंड में नहीं है, वह स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं है, वह स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं है, वह स्थिति उड़ीसा में नहीं है, वह स्थिति महाराष्ट्र में नहीं है, वह स्थिति राजस्थान में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आदिवासियों का वोट तो चाहिए, लेकिन उनकी जब बेहतरी की बात आती है तो सरकार पीछे हटती दिखती है। इसमें प्रशासन का हम दोष देंगे, सरकार का इरादा रहते हुए भी, बजटरी प्रोविजन होते हुए भी वो उसको खर्च नहीं कर पाते वो सही माने में। एक तो ऑफिसर्स, जो विलिंग ऑफिसर, इच्छुक पदाधिकारी नहीं मिलते आदिवासी इलाके में जाने के लिए, और जो इच्छुक हैं उनको शायद सरकारें वहां भेजती नहीं है, दूसरी जगह लगा देती है। एसटी कमीशन के अध्यक्ष बनने के पहले आप केंद्र में मंत्री रहे और खासकर इन्हीं विभागों के मंत्री रहे, कहां आपको कमी दिखी जहां सरकार लैग कर रही है? एक्सक्यूशन पर, उस पर एक्सक्यूशन जो है कार्यान्वयन के स्तर पर सरकार लैग कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन लैग कर रहा है। क्या सेंटर ने कभी दबाव बनाने की कोशिश की कि इनके हितों के लिए राज्य सरकार आगे है? कमीशन में चेयरमैन होने के नाते हम सरकारों को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते रहते हैं कि ये कमी है एक्सक्यूशन में, इसमें स्कीम्स के एक्सक्यूशन में, प्रोजेक्ट के सब में, इसमें ये किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं लगता कि सरकारें बहुत ध्यान दे रही है। जिस तरह की बातें सुनने को मिलती है, जो आदिवासी डोमिनेटेड स्टेट है वहाँ ये कहा जाता है कि यदि आदिवासियों को समय पर सही न्याय नहीं मिला तो शायद वो हिंसा की तरफ, खासकर माओवाद नक्सली की तरफ एक्सप्लॉइट किए जा सकेंगे। चूंकि आप पुलिस के अधिकारी रह चुके हैं, आला अधिकारी रह चुके हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसा एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है या हो रहा है? मैं आपसे सहमत हूँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उभर कर आई है कि आदिवासी सीधे साधे थे,
अभी भी हैं सीधे साधे, लेकिन असंतोष नहीं कुछ मिलने से, उपेक्षा से उनमें असंतोष की भावना आई है और असंतोष गुस्से में बदल रहा है और गुस्से के वजह से ही वे आज शस्त्र धारण कर रहे हैं, हिंसक बन रहे हैं, नक्सल मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं। ये है स्थिति। तो क्या आपको लग रहा है कि चूंकि उनकी उपेक्षा की जाती है, उनको नहीं सुनी जाती है, लिहाजा वो माओवाद और नक्सलवाद की तरफ प्रभावित हो रहे हैं? एक कारण तो मैं मानता हूं, मैं पुलिस में भी रहा हूं, जैसे आपने कहा उस समय भी मैं कहता था, विभाग ढंग से कहता था सरकार को कि देखिए इनको प्रोटेक्शन दीजिए, है ना, ये नहीं जाएंगे उधर, बहुत सिंपल आदमी है, इनके इनके क्षेत्र में पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई का व्यवस्था कीजिए, बढ़िया पढ़ाई का, शिक्षा का बहाली कीजिए, मेडिकल केयर का कीजिए। तो ये लगता है कि जो आदिवासी तबका है वो इसलिए भी हिंसक रास्ता अपना रहा है क्योंकि केंद्र की पॉलिसी उनके अनुरूप नहीं है या सही ढंग से लागू नहीं हो पा रहा? नहीं, उन कारणों पर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कह सकते हम एक लाइन में कि केंद्र की पॉलिसी उनके हित में नहीं है, केंद्र की पॉलिसी उनके हित में, ये कहूंगा, लेकिन उसे लागू नहीं किया जा रहा, एक। और दूसरे ये कहूंगा कि उस कानूने हैं उनके प्रोटेक्शन के पहले से बने हुए हैं, सब वो असंतोष और हिंसा का रूप लेता दिख रहा है। आपके बात से ये लग रहा है कि देश की नौकरशाही आदिवासी समुदाय की बेहतरी की नहीं सोच रहा है, लिहाजा वो हिंसा के रास्ता अपनाने को मजबूर हुए हैं। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि कुछ माहौल ऐसा है कि बहुत ज्यादा संवेदनशील पदाधिकारी आदिवासी इलाके में नहीं है, उनको जितना संवेदनशील होना चाहिए आदिवासी हित के लिए, आदिवासी के कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए, आदिवासी के प्रोटेक्शन के लिए, हितों के प्रोटेक्शन के लिए जो संविधान ने लिखा हुआ है, उस बहुत संवेदनशील नहीं है। जैसे अन्य जगह काम करते हैं उसी तरह आदिवासी इलाके में काम करते हैं। पुलिस अधिकारी होने के नाते आपको कभी इस बात का एहसास हुआ कि अगर सरकार ने इस दिशा में पहले कार्रवाई की होती तो शायद देश का 42% भूभाग आज नक्सलवाद से प्रभावित नहीं हुआ होता? अब उसके कारणों पर ज्यादा नहीं मैं प्रकाश डालना चाहूंगा, लेकिन आज जो स्थिति है उसके बारे में कहना चाहूंगा कि अभी भी समय है कि अगर ट्राइबल्स को, ट्राइबल इलाके में ये अनफॉर्चुनेट है, मैं भी ट्राइबल हूँ और बहुत खराब लगता है कि हम बहुत सिंपल थे, सिंपल सादगी के साथ जिंदगी जीते थे, लेकिन आज हिंसा, कभी हिंसा के बारे में सोचे नहीं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। हमारे जहाँ मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ के भी लोग नक्सल में कुछ चले गए हैं, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। तो ये कारणों का निराकरण की जरूरत है। एसटी कमीशन के अध्यक्ष होने के नाते क्या कभी आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राज्य सरकारें इसलिए उपेक्षा करती है आदिवासियों की क्योंकि अगर वो शिक्षित हो जाएंगे तो शायद वो वोट बैंक नहीं रह जाएंगे? नहीं, ऐसा मैंने महसूस नहीं किया कोई, लेकिन ये है कि बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है। हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, ये आरोप नहीं लगाएंगे हम किसी राज्य सरकार पर या किसी एक व्यक्ति पर कि इसलिए चाहते हैं कि अनपढ़ रहें और वोट बैंक बन के रहें या अन्य का काम करें, जो अभी डोमेस्टिक हेल्प के रूप में काम करें वही काम करते, ऐसा नहीं कहता मैं। एसटी कमीशन ने कभी सरकार से इस बात को लेकर बातचीत की कि आदिवासियों को देश की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए केंद्र की जो योजनाएं हैं उसको राज्य सरकार पालन नहीं कर रही है, लिहाजा वो उनमें असंतोष है? ये हम अभी 5 रिपोर्ट दिए हैं, कमीशन ने 5 रिपोर्ट अभी तक दिया है 2500 से लेकर के अभी तक, और अभी हम तुरंत 18 तारीख को राष्ट्रपति महोदया को एक स्पेशल रिपोर्ट दिए हैं गुड गवर्नेंस पर कि किस तरह से उस इलाके में, देखिए संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं उसका पालन नहीं हो रहा है, मैं ये कहूंगा खुल करके। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एफर्ट्स और एसटी एफर्ट्स, कमीशन के एफर्ट के अलावा नागरिक समाज जो सिविल सोसाइटी है उनका कैसा रवैया है एसटीज के प्रति? देखिए कुछ लोग अच्छे हैं लेकिन अधिकतर लोग को मैं पाता हूँ अनमनस्य के हैं, इनडिफरेंट रहते हैं, कोई मतलब नहीं रहता है आदिवासी, क्योंकि एक आम धारणा आदिवासियों के बारे में ये है कि वो डोमेस्टिक सर्वेंट के ही लायक हैं, तो इस धारणा को खत्म करने के लिए एसटी कमीशन के सामने कौन सा कार्यक्रम है? ये है कि हम पहले तो ये कर रहे हैं कि जितने एट्रोसिटी केसेस हैं जो जबरन उनसे लेबर लिया जाता है, बेगार लिया जाता है, उनको एट्रोसिटी में माना जाता है, डिफाइंड है, डिफिनीशन है पीओ एक्ट का, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट का, कि बेगार नहीं ले सकते, उनकी जमीन पर खेती जबरन खेती नहीं कर सकते, उनकी जमीन को नहीं छीन सकते, उनको पब्लिकली इंसल्ट नहीं कर सकते,
ये सारी चीजें हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं सरकारों को, लेकिन केस होता है लेकिन डिस्पोजल कोर्ट द्वारा नहीं होता है, 10-10 साल से पड़ा हुआ है अभी तक कोर्ट में। जब हम बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स की जॉब की या शिक्षा के मुख्यधारा में शामिल होने की, तो बहुसंख्यक सीटें इसलिए खाली रह जाती हैं क्योंकि उस अनुरूप ट्राइब्स नहीं आ पाते हैं। तो वैसे में आपका जो दावा ये करना है कि हमें अधिकार नहीं मिला, अधिकार मिलने के बाद भी वो सीटें नहीं भर पाती हैं। देखिए दोष किसका है इस पर जाइए, मैं आदिवासी हूँ, मेरा दोष है कि मैं बढ़िया पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन आप सरकार हैं, आपका भी दोष है कि आप हमको पढ़ाते नहीं बढ़िया से, आप हमको पढ़ाते नहीं हैं। अगर हम कमजोर हैं तो कमजोर के लिए विशेष व्यवस्था, जब मैं इस कॉलेज में था तो जो कमजोर लड़के थे उस जमाने में 60s में प्रिंसिपल अलग से क्लास कराते थे, व्यवस्था कराते थे उनको मजबूत करने के लिए, उनको अच्छा करने के लिए। तो सरकारें, राज्य सरकारें ऐसा क्यों नहीं करती कि आदिवासियों को मजबूत किया, स्ट्रेंथन, उनको स्ट्रांग किया जाए एजुकेशन के क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन जनरल एजुकेशन हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कि क्यों नहीं स्पेशल क्लासेस कोचिंग होता है कि उनको मजबूत किया जाए। ये सरकारों को भी गलती है, अगर नहीं मिलते हैं जो उम्मीदवार नौकरियों में तो सरकार को हम दोष देंगे कि सरकार को नहीं। क्या आप एक लाइन में ये कह सकते हैं कि सरकार ने जो प्रावधान किए हैं जॉब के लिए या आरक्षण के लिए उसका पूरा पूरा लाभ उन्हें मिल रहा है? पूरा पूरा लाभ नहीं मिला है अभी तक, बहुत से जगह खाली हैं, प्रमोशन में भी लाभ नहीं मिल रहा है। अभी यूपीएससी में होना चाहिए 7.5 होना चाहिए राष्ट्र के स्तर पर, लेकिन जो जानकारी हमको दी गई है 5% से कम है यूपीएससी में भी पद, यूपीएससी को भरना है लेकिन वहां भी नहीं भरा गया, 5% से कम। कैंडिडेट की कमी के कारण ऐसा हुआ या फिर लोगों ने यूपीएससी में जान कैसा किया है? नहीं, यूपीएससी में जानकर नहीं कहेंगे, मैं फिर कहूंगा कि ये सरकारों की जो कर्तव्य होना चाहिए कि ट्राइबल्स को, ट्राइबल बच्चों को मजबूत करें, शिक्षा बढ़िया से दें ताकि उस योग्य हो सके, इसमें कमी है। मतलब उसकी जो बॉन्डिंग है, जो शुरुआती शिक्षा है, वहीं से उसमें कमी आने लगती है और यही कारण है कि उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते और शोषण के शिकार बनकर रह जाते हैं। बिल्कुल एसटी कमीशन आम आदिवासी की बेहतरी के लिए क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है आम आदिवासी की बेहतरी के लिए? अगर हम ऐसा पूछें कि एसटी कमीशन से आम आदिवासी की क्या अपेक्षा होनी चाहिए? देखिए हम सरकारों को सलाह दे रहे हैं और सुझाव दे रहे हैं, अनुशंसा कर रहे हैं कि स्कीम को, जो भारत सरकार की स्कीम है और राज्य सरकार की स्कीम है, उसको सही ढंग से ईमानदारी से लागू किया जाए, उनका लिविंग कंडीशंस बेहतर हो जाएगा। तो ये थी पहले दौर की बातचीत। अगले दौर की बातचीत में हम रामेश्वर उरांव से जानना चाहेंगे कि 90 के दशक में उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार किया और तब आडवाणी की पहली प्रतिक्रिया क्या थी और उसके बाद वहां की सरकार ने क्या तैयारी की थी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तिरुवनपुरम सिटी बिहार का पहला मेगा टाउनशिप, जहां आप पाएंगे हेल्थ क्लब, स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क से लेकर शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स की विशेष सुविधा। तिरुवनपुरम सिटी अ प्रोजेक्ट ऑफ नेश इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एसोसिएटेड विद तिरुपति होम्स लिमिटेड, होम फॉर एवरीवन। रतन केमिस्ट्री क्लासेस वेयर वर्चुअल स्टडीज मस्ट फॉर 11th एंड 12th AIPMT एंड IIT JEE। रतन कुमार रॉय अ टीचर You can trust. Ratan Chemistry Classes, Rajin Nagar Road No. 6C, Patna. Electronic media और print media में शानदार करियर बनाने का मौका दे रही है India News Media Academy। मेधावी छात्रों को हमारे आज समाज अखबार के 22 editions और India News के 6 news चैनलों में जॉब की गारंटी। सभी छात्रों को 100% internship, professional माहौल में hands-on experience, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और संपूर्ण ज्ञान के साथ आप कर सकते हैं उज्जवल भविष्य की कामना। INMA में आप इन 7 कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन, बैचलर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म एंड प्रोडक्शन, पीजी डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट ऑपरेशंस, डिप्लोमा इन वीडियोग्राफी कैमरा एंड लाइटिंग, डिप्लोमा इन वीडियो एडिटिंग और डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट ग्राफिक्स। इन सभी कोर्सेज में 100% इंटर्नशिप और प्लेसमेंट की गारंटी भी। एडमिशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, लिमिटेड सीट्स, अप्लाई नाउ। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9909141014, 9909747772 पर, या फिर आप लॉग ऑन करें
www.indianewsacademy.com पर। आप हमें info@indianewsacademy.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। मान लेते बात जो अपनों की हम, यूं न सहते दिल पे घुट घुट के सितम। अपने साए अलविदा कह गए, कैद होकर सलाखों के ही रह गए। सारंगी रीडिफाइंड, फर्स्ट एवर एल्बम फीचरिंग इनमेट्स फ्रॉम तिहार जेल। म्यूजिक कंपोज्ड बाय सारंगी माइस्ट्रो कमल साबरी, हु रिप्रेजेंटिंग द सेवेंथ जनरेशन ऑफ इलस्ट्रियस सारंगी एक्सपोनेंट्स। कमल साबरी हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग सारंगीज अननोन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड रीडिफाइनिंग इट टू द मासेस। सारंगी रीडिफाइंड, अवेलेबल ऑन ऑल म्यूजिक स्टोर्स। 1990 में जब आपने लाल कृष्ण आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार किया, तो लाल कृष्ण आडवाणी की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? और उस समय आप शायद DIG हेडक्वार्टर थे जी। एलके आडवाणी की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? पहले देखिए, वो हम लोग उनको गिरफ्तार कर ले, सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे, 2:30 बजे तक मीटिंग किए थे, मीटिंग करके गए थे सोने के लिए। तो करीब 4:30 बजे हम और राजकुमार सिंह, जो अभी भारत सरकार में गृह सचिव हैं, वो दोनों गए, दरवाज़ा खटखटाए, वो उठे, कौन है बोले, हम लोगों ने उन्हें परिचय दिया, वो आके उठ के खोले, बोले क्या बात है DI साहब? हमने कहा कि सर आपके नाम से वारंट है। तो मुस्कुराए, बोले कि लालू जी हमको नहीं जाने देंगे, अयोध्या यहीं रोक लिए, वो कैसा ही है सर। इसके बाद बोले कि 10 मिनट का हमको समय दीजिए, हम फ्रेश हो लेते हैं, इसके बाद चलेंगे। बाथरूम में गए, फ्रेश हुए, आए, फिर बोले कि एक चिट्ठी लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं चलूँगा, है ना। उन्होंने चिट्ठी हम लोग के सामने ही लिखा, हम लोग खड़े थे, वो बैठ करके चिट्ठी लिखे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से, कि आई एलके आडवाणी, लीडर ऑफ अपोजिशन, है ना, हेयर बाई विद ऑल द सपोर्ट गिवन टू BP गवर्नमेंट, और दस्तखत कर दिए। अब बोले कि इसको जरा भिजवा दीजिए, व्यवस्था कर दीजिए, हम ठीक है भिजवा देंगे। और इसके बाद हम उनको लेकर के हेलीकॉप्टर में वहाँ से दुमका आए। दुमका में एक जगह, सुंदर सा जगह है मासानजोर, वो वहाँ ले गए, वहाँ 3 दिन तक उनके साथ रहे। बहुत ही आत्मीय ढंग से उनसे बात होती थी, सुबह और शाम हम लोग मिलते थे, हम और के सिंह उनसे, और बातें करते थे। मैंने एक पाया उनमें, उनके व्यक्तित्व में, कि बहुत ही अस्पष्टवादी है उनके विचार। भले आज मैं कांग्रेस में हूँ, वो BJP में हैं, भले विचार नहीं मिलते हों, लेकिन एक नेता में अस्पष्टवादिता जो होनी चाहिए, मैंने उसमें पाया। लालू यादव सरकार ने जब उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया, तो आपके सामने क्या धर्म संकट की स्थिति थी? कोई धर्म से, धर्म तो मेरा है सरकारी नियमों का पालन करना, कानून का पालन करना, गिरफ्तारी वारंट थे मेरे साथ, पालन करना था, धर्म संकट कहां से आया? तो उनका तो धर्म था मेरा। तो बिहार में उनकी गिरफ्तारी की मजबूरी क्या थी, क्या क्या संकट आन पड़ी थी? संकट ये आन पड़ी थी कि उस समय अगर माहौल आप देखते नाग साहब, तो एक इतनी भीड़ उमड़ती थी, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम खड़ा हो रहा था, और ये बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में घुसते, अयोध्या में घुसते, और भीड़ें जमा होती, तो बहुत ज्यादा लॉ ऑर्डर खराब होने की स्थिति में थी। इसलिए उनको रोकना सरकार ने शायद उचित समझा कि बिहार में ही रोक ले, इनको उत्तर प्रदेश नहीं जाने दें। बिहार में जब लालू गवर्नमेंट ने उनको गिरफ्तार का आदेश दिया, उसके बाद क्या पॉलिटिकल सिस्टम को इस बात की आशंका थी, ये आकलन था कि यह गिरफ्तारी देश में इनको सत्ता में वापस ले आएगा? अब ये तो राजनेताओं को मालूम था, लेकिन सामान्य जनों में एक आक्रोश हम पाते थे पुलिस अफसर के रूप में, कि इसको जाने क्यों नहीं दिया गया, ये जा रहे थे जाते, जो होता होता, यहाँ क्यों रोका गया इनको, ये आक्रोश था उस जमाने में। और इसको उनकी पार्टी ने भुनाया भी इलेक्शन में, जब इलेक्शन हुआ तो उसको भुनाया। कभी आपको महसूस हुआ कि जब आप पॉलिटिक्स में शामिल हुए, तो महसूस हुआ कि वो लालू यादव का वो फैसला एक तरफा था और बायस था, और वो एक गलती थी पॉलिटिकली वो इनकरेक्ट था फैसला? नहीं, ऐसा महसूस नहीं हुआ। उस माहौल में मैं पुलिस अफसर रहा हूँ, और मैं जानता, मैं अनुभव से जानता हूँ कि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए भीड़ को रोकना जरूरी है। तो लालू जी की सरकार ने सही निर्णय लिया सही समय पर, इस भीड़ को रोका जाए, और भीड़ तभी रुकती
जब उनको गिरफ्तार करके अलग भीड़ से अलग किया जाता है। उसका परिणाम यह हुआ कि ठीक 2 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर ध्वस्त कर दिया गया और पूरे देशव्यापी दंगा हुआ। तो क्या लगता है कि इसकी बुनियाद बिहार से रच दी गई थी? नहीं, बिहार सरकार का उसमें कोई दोष नहीं है, लालू जी का कोई दोष नहीं है। गिरफ्तार नहीं किया गया होता तो शायद ये परिणति नहीं होती। गिरफ्तार नहीं किया गया होता तो 90 में ही हो जाता है, जो हुआ आप 92 में 90 में ही हो जाता और हो सकता था ज्यादा रूप उसका गंभीर रहता। जब अडवाणी को आपने गिरफ्तार किया समस्तीपुर में, तो लालू यादव ने आपको क्या कहा था? मैं एक सामान्य रूप से लिया, मैंने भी लिया, उन्होंने लिया, वो सरकार थे, मुख्यमंत्री थे, मैं एक DIG था, पुलिस ऑफिसर था। समान रूप से अडवाणी के चिंता करने को लेकर, अडवाणी के स्वास्थ्य का, पर्सनल बिलोंगिंग्स का, और ये एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं लालू जी, मैं ये कहूंगा, तारीफ करूंगा उनकी। उन्होंने टेलीफोन करके हमको RK सिंह को बोला कि उनको किसी तरह से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुरंत टेलीफोन लगाइए, अच्छे पानी का व्यवस्था कीजिए, अच्छा खाना का व्यवस्था कीजिए, किसी भी तरह से जब उनके परिवार के लोग उनसे बात करना चाहते हैं तुरंत बात करा दीजिए, है ना, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अडवाणी ने पहला फोन किसको किया जब गिरफ्तार किए गए? तो पहला फोन अपनी धर्मपत्नी को उन्होंने किया, कमला जी को उन्होंने किया। अडवाणी जब गिरफ्तार किए गए तो जैसा आपने कहा कि वहीं से उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखा, सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, इसकी भी खबर तत्काल आपने गवर्नमेंट को दे दी होगी कि गिरफ्तारी का तत्काल रिप्रकशन ये हुआ है? यस, पुलिस पदाधिकारी जो बाहर खड़े थे उनको हमने हाथ धरा दिया, इसको पहुंचवा दो, उनकी इच्छा है अडवाणी जी की कि इनको तुरंत पहुंचा दिया जाए, तो उन लोगों ने पहुंचा दिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिल गई चिट्ठी और उस पर कार्रवाई भी हो गई। तो आपको इस बात का एहसास था कि एक सामान्य गिरफ्तारी से देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कायम हो जाएगी और गवर्नमेंट सेंटर की गिर जाएगी, तब शायद BP सिंह की गवर्नमेंट थी? नहीं, अगर गिरफ्तारी नहीं भी होती वहां पर तो भी सरकार गिरने वाली थी। ये जो उनसे 3 दिन तक बात होती थी, बात चल रही थी, उनका मनसा बहुत साफ था कि सरकार में नहीं रहना, इस सरकार को गिराना। ये मंडल इशू था उनके साथ और ये मंदिर इशू भी था, 2 इशू थे जो डिस्कशन के दौरान हम लोगों से बात होती थी, हम RK सिंह थे और बैठते थे हम लोग। नहीं, लालू यादव लगातार सेकुलरिज्म की बात करते रहे, जैसे आपकी पार्टी भी करती रही है, लेकिन जब उनको गिरफ्तार किया गया तो पूरे देश भर में 24 महीने के अंदर जो सांप्रदायिक दंगा फैला, क्या लगता है कि लालू ने ये गलती नहीं की होती तो ये फैसला, ये दंगे नहीं फैलते? नहीं, बिहार में तो दंगा नहीं फैला, झारखंड में भी दंगा नहीं फैला, बिहार में तो नहीं हुआ इस तरह से, इसलिए मैं बिहार के बारे में कह सकता हूँ। झारखंड में तो काफी आपके यहाँ धनबाद के इलाके में काफी लोग एक प्रतिक्रिया हुई लेकिन दंगा नहीं फैला। अडवाणी को अरेस्ट किया तो क्या उनके चेहरे के भाव ही बता रहे थे कि इसके लिए वो तैयार थे, या उनके लिए आपकी ये सूचना, गिरफ्तारी की सूचना शोधन घटना थी? नहीं, वो इंतजार कर रहे थे, उनको पता था, लेकिन उनको पता था कि शायद UP के बॉर्डर में गिरफ्तार होंगे। तो आपको ये लगा कभी कि अगर ये सारी घटनाएं नहीं घटती तो 1996 में उनकी सरकार नहीं बन पाती, क्योंकि व्यापक सहानुभूति उन्हें मिली सेंटर में और वो सरकार बनाने में सफल हुए? उस समय का प्रवाह था, समय के प्रवाह में उस समय की जो एक होता है मुद्दा बन जाता है कोई समय के लिए, विशेष समय के लिए। आज वही मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, पॉलिटिकल मुद्दा तो कम से कम नहीं है, लेकिन उस समय मुद्दा बन गया वो। LK अडवाणी की गिरफ्तारी की घटना ने आपके पूरे करियर को बदल दिया, आप भारतीय पुलिस सेवा से आपने इस्तीफा दिया, फिर आप पॉलिटिक्स में शामिल हुए, क्या लगता है कि उसके कारण जो आप चर्चित हुए पूरे देश में, वो आपके लिए एक शुभ संकेत था, एक अच्छा फैसला था, लिहाजा आज आप केंद्र के पॉलिटिक्स में हैं? नाग साहब, मैं ये कहूँगा कि मैं शुरू से हूँ, जब से होश संभाला हूँ, जब से पढ़ना लिखना शुरू किया है, भारत के संविधान को बिना पढ़े मेरे दिल में सेकुलरिज्म की भावना पहले से थी। नहीं, लेकिन आप पुलिस अधिकारी होने के नाते आपको इस बात का एहसास भी था, इनपुट्स भी आ रहे थे कि पुलिस के बैरकों में भी अडवाणी के प्रति सहानुभूति की लहर फैल रहे थे। मैं मानूंगा थी बैरकों में भी उनपे थी, उनके समर्थक लोग थे, बातें होती थी, हमें क्योंकि हमको तो इन्फॉर्मेशन लेना था, सभी जगह से लेते रहते थे, ये चर्चा आती थी कि सभी पुलिस में नहीं, सभी कर्मचारियों उस समय, है ना, सरकारी कर्मचारियों में एक थे कि नजायज हुआ इनके साथ, इनको क्यों रोका गया यहाँ पर, और ये तो अच्छा काम कर रहे थे, राम मंदिर बनवा रहे थे,
अच्छा काम कर रहे थे। जब आप केंद्र में मंत्री बनाए गए तो आडवाणी से पहली मुलाकात के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्या आपने बताया कि मैं वो शख्स था जिन्होंने आपको गिरफ्तार किया था? सेंट्रल हॉल में उनसे मुलाकात हुई, मैंने नमस्कार किया तो उन्होंने इशारा किया क्या कौन क्या कहने का मतलब, तो मैंने कहा कि मेरा नाम ये है, रामेश्वर उरांव है सर, स्मरण करें आप कि समस्तीपुर से मैं वही पुलिस अफसर हूँ जो समस्तीपुर से हेलीकॉप्टर में बैठा कर आपको मसानजोर लाया था। उनको याद था ही याद हुआ और मेरे हाथ पकड़े और देर तक मिलाते रहे, हाथ मिलाते रहे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत मिलते रहिए। शायद बहुत देर तक हाथ इसलिए मिलाते रहे क्योंकि शायद वही हाथ उनको सत्ता में शामिल कर रहा था। हो सकता है उनके क्या अंदर में क्या था, लेकिन ये उछन याद है कि उनसे जो मिले, अपना परिचय दिया, बताया घटना के बारे में, तो मुस्कुराए और हाथ पकड़ के हिलाते रहे। तो ये थी आज की बातचीत, अगले सप्ताह किसी नए मेहमान के साथ फिर मिलते हैं, फिलहाल विदा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में शानदार करियर बनाने का मौका दे रही है इंडिया न्यूज मीडिया एकेडमी। मेधावी छात्रों को हमारे आज समाज अखबार के 22 एडिशंस और इंडिया न्यूज के 6 न्यूज चैनलों में जॉब की गारंटी। सभी छात्रों को 100% इंटर्नशिप, प्रोफेशनल माहौल में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और संपूर्ण ज्ञान के साथ आप कर सकते हैं उज्जवल भविष्य की कामना। INMA में आप इन 7 कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन, बैचलर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म एंड प्रोडक्शन, PG डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट ऑपरेशंस, डिप्लोमा इन वीडियोग्राफी कैमरा एंड लाइटिंग, डिप्लोमा इन वीडियो एडिटिंग और डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट ग्राफिक्स।